हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालीन पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पशु परिचर परीक्षा 2024 की तैयारी है, तो सब्जेक्ट मैथ। और मैथ में पढ़ रहे हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, यानी कि दशमलव और भिन्न। आइए, दशमलव से संबंधित यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं। दशमलव संख्याओं से उनको कैसे हल करते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 0.048 भाग में है, 0.04 का इसमें क्या करना है? भाग देना है और इसका भागफल हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या करना है, दो संख्या छोड़ के दशमलव इसमें है, तीन संख्या छोड़ के दशमलव इसमें है। तो दो संख्या इस वाली संख्या की हम कम कर देंगे और यहाँ लगा देंगे दशमलव। इसका दशमलव आप क्या करेंगे, हटा सकते हैं। अब क्या रहा आपके पास में, 4.8 रह गया। इसमें भाग देना है किसका, चार का। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, चार। यहां पॉइंट था, यहां भी पॉइंट था, इसको हटा दे। चलो इसको कर लेते हैं दोबारा। तीन संख्या छोड़ के इधर है, दो संख्या छोड़ के इसके इधर है। देखिए यहां लिखेंगे 48 बटे में एक, एक दो तीन अंक है तो 3 शून्य आप इसके लगा दीजिए। और क्या करेंगे, भाग का निशान है, भाग लगा दीजिए और इधर लिख दीजिए 4 बटे में 2 शून्य लगा दीजिए इसके एक की। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 48 बटा में क्या करना है दोस्तों, 1000 के 1000 लिख दीजिए, गुणा में बदल दीजिए चिन्ह को, संख्या उल्टी करके लिख दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आंसर वही मिलेगा जो कि पहले आया था। 4 का भाग इसमें देंगे, कितने बार जाता है, 12 बार, बटा में क्या है, 10। तो उत्तर मिला में 1.2। अब 1.2 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। जैसा कि मैं पहले करा था, कैसे करा था, दो अंक इसमें है शून्य दशमलव के बाद, तीन इसमें है तो इसके अंक घटा देते हैं, इसका दशमलव हटा देते हैं। अब 4.8 में भाग देते हैं, 4 का तो वही आता है 1.2। आइए दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या है अवरोही क्रम में लिखी हुई है? अवरोही का मतलब दोस्तों घटते हुए क्रम में, और घटते हुए क्रम में कब लिखी जाती है, जब सबसे पहले कौन सी संख्या है, बड़ी वाली संख्या आ जाए। अब देखिए 13.095, 13.905, 13.950। अब देखिए 13 13 हम पूर्णांश वाली संख्या को मिलाते हैं, पूर्णांक को बराबर मिलते हैं हमें। अब इसमें देखते हैं भाई, तो यहाँ दशांश वाली संख्या में शून्य है, या 9 है, या भी 9 है। चलो इसमें देखते हैं षष्ठांश वाली संख्या को, तो इसमें क्या होता है, इसमें शून्य है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। ये संख्याएं आपकी क्या रही अवरोही क्रम में, इस वाली संख्या में देखिए क्या है, ये वाली संख्या बराबर है 13 13, 9 है, 9 है, इसमें शून्य है। यहाँ 50 यानी कि 5 और 0 है, यहाँ 0 और 5 है, यहाँ क्या है, 9 और 5, यानी कि यहाँ ये 9 बड़ा है, ये भी इसमें शून्य आ गया, तो ये भी नहीं है। इसमें देखिए 13 बराबर हैं, इसमें भी 13 बराबर हैं, इसमें 13 बराबर हैं, यहाँ भी 9 है, यहाँ क्या है, शून्य है, और यह क्या है, 9 है। अब इसको देखेंगे शतांश वाले अंकों को, तो क्या होगा दोस्तों, इसका मान होगा यहाँ 9 है, 5 से 9 बड़े हैं, यानी कि यह संख्या छोटी हो गई, ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो यह संख्या इसकी नहीं है, ये बड़ी, ये छोटी, फिर ये बड़ी है, ये लास्ट में आती संख्या छोटी है, सबसे छोटी जो कि यहाँ पर आनी चाहिए थी वो नहीं है। अब इस संख्या को आप देखिए 13 है, फिर दशांश में शून्य है, फिर 9 है, फिर 9 है। अब देखिए इस संख्या में क्या हो रहा है, इस संख्या में देखेंगे हम सबसे बड़ी वाली संख्या इसमें आ रही है 9 9, और ये क्या है,
शून्य। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी सही होगा। बी क्या होगा? सही होगा। अब बी सही क्यों होगा? क्योंकि यहाँ तो सही है, यहाँ भी सही है, लेकिन यह क्या है? छोटा है, जो कि हमें क्या चाहिए था? छोटा ही तो चाहिए था। बड़ा, छोटा, छोटा सबसे छोटा लास्ट में आ जाता है अवरोही संख्या में। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपका? बी। आशा करता हूँ आपको इस संख्याओं से संबंधित जो सवाल दिए हैं वो हल करना समझ में आया है। वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।